दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा प्लान देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर आप इस मॉडल को डिजाइन करते हैं तो आपको एक नया और यूनिक घर का डिजाइन मिलेगा। आप शहर या ग्रामीण क्षेत्र कहीं पर भी बनवा सकते हैं, बिल्कुल यूनिक प्लान होने वाला है। इसका जो स्टेयर वगैरह रखा हुआ उन्होंने बाहर से रखा है और आपको एक बेहतरीन सा लुक देखने को मिलेगा। आपने अगर हमारा ये थंबनेल देखा होगा तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि शायद ही आपने ऐसा मॉडल अभी यूट्यूब पर देखा हो या वॉच किया हो। और अगर आप इस मॉडल को अपने शहर या गांव में कहीं पर भी बनाते हैं तो सबसे हटके होने वाला है। इसी प्लान को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर क्रिएट कर दिया है प्रॉपर तरीके से, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसका 2D प्लान लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज का जो मॉडल है उसे हम डिस्क्राइब करने के लिए आपको ले चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा मॉडल जो मैं आपको आपको बताने वाला हूँ आज, ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और इसके अगर हम साइज की बात करें तो वो भी आपको कम देखने को मिलेगा, मात्र 25x35, 25x35 फुट में बना है। 25 फुट इसका फ्रंट है जो आप देख रहे होंगे। स्टेयर्स का डिजाइन वगैरह आप देखिएगा, स्टेयर्स बाहर से मैंने दी है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने कुछ प्लांटेशन कर रखा है जिससे डेकोरेशन भी कर रखा है, जिसके घर का और भी बेहतरीन लगे। तो फ्रंट की अगर बात करें तो ये फ्रंट है आपका, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गार्डन एरिया भी छोड़ा है, यहाँ से स्टेयर से यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। और ये आपका एक देखिए पिलर है, उसके ऊपर ये छत बना है जो कि एक डिजाइन के तौर पर 8 फिट पर मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद मेन छत जो आपका है वो 10 फिट पर ही बना हुआ है। इसके बाद इधर से आपकी स्टेयर से जाती है और टर्न होकर आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25x35 में। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, मैं जूम करके आपको पहले दिखा देता हूँ, इससे आपको उसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए कहाँ पर क्या चीजें क्रिएट कर रखी है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं पूरा। अभी हम बात करेंगे इसकी ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देखिएगा टॉप व्यू पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा ये एक बारंदा टाइप को आपको देखने को मिल रहा है। इस बारंदे पर जैसे आप स्टेयर्स के अंदर से अंदर जाएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से आपकी स्टेयर्स स्टार्ट होती है, चढ़ना आप स्टार्ट करेंगे। मैंने ग्रिल भी लगा रखी है, इसके बाद जस्ट आप ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये बारंदा का डिजाइन है, ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। दोनों तरफ विंडो वेंटिलेशन के लिए है। इधर आपके एक गेस्ट रूम मैंने क्रिएट कर रखा है, इसे आप गेस्ट रूम बोलिएगा या आप इसे डाइनिंग हॉल भी बोल सकते हैं, मैं भी दिखाऊंगा। इधर आपके एक विंडो और दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने किचन एरिया क्रिएट किया है और इस किचन को मैंने 2 कलर में ब्लैक और व्हाइट कलर कर रखा है। ये आपका वेंटिलेशन के लिए एक एरिया और है। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं अपने डाइनिंग हॉल में। ये देखिए आपका डाइनिंग हॉल बड़ा सा बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर एक बेडरूम और उसके फिर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर एक बेडरूम देखने को मिलता है। दोनों बेडरूम के बीच में लेफ्ट हैंड बाथ और इधर भी आपको एक बेडरूम देखने को मिलता है। अब किचन में अगर आप एंट्री की बात करें तो इसके लिए आपको इस बेडरूम से होकर ही किचन में एंट्री करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने, हालांकि आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डोर दे सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पर 3 बेडरूम देखने को मिलेंगे। देखिएगा ये डाइनिंग हॉल, इस डाइनिंग हॉल से सभी जगह आपकी एंट्री होने वाली है। आप इसमें भी जा सकते हैं, इस बेडरूम में, लेट बाथ में, इस वाले बेडरूम में, इस वाले बेडरूम में और अदर किचन। अगर बात करें पूजा घर की तो आप स्टेयर्स के नीचे आपको यहाँ पर जगह मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ पर एल शेप में स्टेयर्स क्रिएट की है, इस नीचे सिर्फ इतने 3 फिट एरिया को कवर करके आप पूजा घर भी बना सकते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर जैसा कि देखा, 3 बेडरूम, किचन, लेट बाथ और आपका डाइनिंग हॉल। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो वो आपको और भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। इधर स्टेयर्स वगैरह फिट ग्रिल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था। आप बात करते हैं इसके फर्स्ट और लास्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट और लास्ट फ्लोर है जो कि 3.5 फिट बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। सिर्फ यहाँ स्टेयर्स को एरिया को मैंने छोड़ दिया है, बाद बाकी पूरी बाउंड्री मैंने क्रिएट कर रखा है, ग्रिल वगैरह क्रिएट कर रखा है। इधर मैंने कुछ ग्रीन एरिया भी लगा रखा है जिससे और आपका घर अच्छा लगने लगे। तो ये ओवरऑल फ्रंट एलिवेशन था इस मॉडल का। तो ये दोस्तों मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर करें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वाला प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। हालांकि आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप कोई फ्री में मॉडल बनवाना चाहते हैं दोस्तों, हालांकि मेरी पेड सर्विस है बट फ्री में चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां कमेंट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बट सभी के वहां पर भी फ्री और पॉसिबल नहीं होते बनाना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो किसी एक लोगों का मैं पिक करके जरूर क्रिएट करूंगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।